सिंगोली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नाकाबंदी तोड़कर भागती कार का पीछा कर ग्राम सुजानपुर पास सड़क किनारे मिली कार की तलाशी के दौरान 100 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। मौके से आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि 29 सितंबर की रात अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ व नाकाबंदी हेतु 12 बीघा चौराहे ग्राम सुजानपुर में जांच कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम कवनजी की खेड़ी की तरफ से एक कार तेज गति से आती दिखी। उसे नाकाबंदी में लगी फोर्स ने रोका, लेकिन सिल्वर रंग की कार RJ09CA 5397 का चालक वाहन तेज गति से पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर ग्राम बिलखंडा की तरफ भागा। वाहन चालक ने कार को तेज गति से भगाकर पुलिस पार्टी को चकमा देकर बिलखंडा चौराहे आम रोड पर वाहन को खड़ा कर भाग गया। उसे मक्के के खेत में काफी तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। उक्त वाहन की तलाशी के दौरान वाहन के अंदर 5 काली प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा कुल वजनी 100 किलोग्राम भरा था। इसे जब्त कर वाहन थाने लाया गया। यहां थाने में चालक के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण कायम किया गया। वाहन की जानकारी निकालने पर स्वामी लाभचंद पिता सुखलाल धाकड़ निवासी चित्तौड़गढ़ के नाम से पंजीकृत होना पाई गई। प्रकरण में डोडा चूरा के वाहन चालक, वाहन स्वामी, स्रोत व खपतकर्ताओं के संबंध में विवेचना जारी है। कार्यवाही में निरीक्षक आरसी दांगी, सौनी शिवराज सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज ओझा, आर राम पंगत सिंह, चैतन्य सिंह तोमर, मदन शर्मा की भूमिका रही।